मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2019 का जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था वो 2020 में हुआ था, जनवरी में। लेकिन 2020 आपने देखा है किस तरह से गुजरा है। आपने कई बार आप कहते रहे कि वो हाई कोर्ट में मामला आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है, उसी कारण नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल आ चुका है। और ये आया है 28 दिसंबर 2020 को आ चुका है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपकी 10 फरवरी 2021। तो याद रखिए, आप लोग जनवरी से शुरू होगा और 10/2/21 तक आप लोग लास्ट डेट रहेगी, 12 बजे तक, ठीक है, रात में 12 बजे तक। इसकी प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक दिया गया है 11/4/2021 रविवार, यानी कि कहने का मतलब है कि 11 तारीख अप्रैल में आपका 11 अप्रैल 2021 को पेपर होगा आपका। आप सभी जानते होंगे प्रश्न पत्र पहला सामान्य अध्ययन होता है, जिसमें जीके जीएस एमपी से स्पेशल पूछा जाता है, और इसके सिलेबस पर हम लोग बात कर चुके हैं, बड़े विस्तार से बात की हुई है। और एमपीपीएससी का जो भी स्पेशल है और जो भी आपका जीके जीएस है उसे भी हम लोगों ने कवर कर दिया है। चलिए आगे बताएंगे कि कहाँ मटेरियल ये मिलेगा आपको। तो ये होगा आपका 10 बजे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर। द्वितीय पेपर होता है, आप जानते हैं, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे आप लोग सी सेट कह देते हैं। ये होगा आपका 2:15 से 4:15 तक शाम की टाइम, ठीक है, दूसरे पाली में, याद रखिए। और प्रथम प्रश्न पत्र आप जानते होंगे कि 200 नंबर का होता है, दूसरा भी 200 नंबर का होता है, ठीक है। और दूसरे में आपको क्वालिफाइंग करना, मतलब क्वालिफाई करना पड़ता है उसमें आपका, और जो प्रश्न पत्र पहला होता है इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, याद रखिए। और इसमें आप देखेंगे आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में की जाएगी। कहने का मतलब है कि 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज कितनी, 21 साल न्यूनतम, और अधिकतम अपने हिसाब से ओबीसी के लिए अलग रहती है, एसटी एसटी के लिए अलग रहती है, सामान्य वर्ग के लिए अलग रहती है। तो 21 साल आपकी कब से जनगणना की जाएगी, गणना 1 जनवरी 2021 से, ठीक है, याद रखिए इसे भी। और याद रखिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11 जनवरी 2021 से भरा जाएगा दोपहर 12 बजे से, और ये रहेगी डेट आपकी 10 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक भरा जाएगा। तो आप लोग मेन साइट से भी भर सकते हैं, www.mponline.government.in, यहां से भी बस भर सकते हैं, या फिर एमपीपीएससी की मेन साइट पर आप लोग जाकर भर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए बड़े अच्छे सावधानी पूर्वक भरा करिएगा फॉर्म। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को गलती अगर हो जाती है ₹50 आपको दोबारा देना पड़ेगा शुल्क, समझ रहे हैं आप लोग। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कार्य दिनांक 15 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक रहेगा, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और वैसे मुझे लगता है कि कोशिश यही किया करिएगा कि एक बार में ही फॉर्म अच्छी तरह से भर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को, इसीलिए आप लोग एक से दो बार चेक कर लिया करिएगा, ठीक है। जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसके जो फॉर्म भर रहा है आपका, किसी के यहाँ आप भरवा रहे हैं एमपी ऑनलाइन के वाले के यहाँ, उस पर भरोसा मत करके खुद आप लोग एक से दो बार चेक कर लिया करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और रोजगार कार्यालय में पंजीयन आप लोग करवा लें जरूर, ठीक है। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आजकल ऑनलाइन होने लगा है, अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं है आपके यहाँ, नहीं हो रहा है, तो आप लोग कलेक्ट्रेट से, जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं वहां से आप लोग बनवा सकते हैं। ये 3 साल के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है, बनवा लें। और एक बात और याद रखिए, कई लोग पूछते हैं कि वैसे इसके बारे में हम लोग बड़े विस्तार से बात कर चुके हैं, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एमपीपीएससी देने के लिए आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसे कि आपका बीएससी हो गया, बीए हो गया, इस तरह की कोई पहली डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अंतिम वर्ष में अगर आप हैं, जैसे आपकी बीएससी 3 साल की है, मान लीजिए बीए 3 साल का है, तो आप लास्ट 3rd ईयर में हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। और इसमें बात अगर हम लोग करें कुल आपकी जगहों की, तो ये आप देख सकते हैं, सामान्य प्रशासनिक सेवा, उप जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, गृह विभाग, पुलिस, ठीक है, ए यू आर मतलब जनरल के लिए, एससी एसटी ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस। कहने का मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस वही लोग हैं जो आप जानते हैं ना कि वो
सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है 10%। तो इस हिसाब से आप लोग देखते रहिए, टोटल कितनी यहां दी गई है, 235 आपकी दी गई है, ठीक है, कितनी 235 आपकी जगह आई हुई है इस बार, याद रखिए आप लोग, किसमें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, ठीक है। और आगे हम लोग अगर चलें, और एक बात याद रखिए, अगर ओबीसी के हैं आप लोग तो क्रीमिलियर की अवधारणा पूछेगा आपसे, और हमेशा कहीं भी अगर इस तरह का शब्द आता है क्रीमिलियर, तो सीधी सी बात याद रखा करेगा, आप लोगों ने देखा होगा कि दूध को जब आप लोग गर्म करते हैं तो ऊपर क्रीम आ जाती है, उसे हटा देते हैं क्रीम को, या निकाल लिया जाता है। तो उसी तरह से अवधारणा ओबीसी में रखी गई है कि जो जो विकसित हो चुके हैं, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है, जो ऊपर उठ चुके हैं, तो उन्हें ओबीसी में क्रीम लेयर में लग दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑप्शन आता है कि आप क्रीम लेयर में आते हैं या नहीं, अगर आप लिख देते हैं क्रीम लेयर में आता हूं तो अधिक फीस लगती है, या आप समझ रहे हैं आप लोग, तो याद रखा करिएगा ध्यान से। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी अन्य आरक्षित वर्गों के आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित पैरोल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। और आपके लिए क्या जानकारी है, आपके लिए जानकारी आप फॉर्म भरने की वही दिया गया है। देखिए ये आपके प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित शहर है, मुझे लगता है कि सभी दिए गए हैं आपके, अभी आपने देखा निवाड़ी बना हुआ था जिला, वो भी दिया गया है, बाकी आपके अपने हिसाब से जिस जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप चुन सकते हैं, इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, इस तरह से आप देख लें अपना, जो भी पास पड़े या जहां भी आप रहते हैं वहां आप लोग आराम से डाल सकते हैं, ठीक है, इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। वर्तमान पता, इसका प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा परीक्षा शहर, या ऑटोमेटिक निम्न निम्नानुसार भरे जाएंगे, प्रथम आवंटन वर्तमान पते का जिला, द्वितीय आवंटन वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय, तृतीय आवंटन स्थायी पते का जिला, और चतुर्थ आवंटन आवंटन आपका स्थायी पते का संभाग मुख्यालय, आप लोग भरे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं आप लोग, जो भी आपको सुविधा हो, ठीक है। अन्य प्रदेशों के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं, याद रखिए, जैसे आप लोग एमपी के नहीं है, उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के हैं, कहाँ के, तो आपके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में से दो विकल्पों का चयन करना होगा, परीक्षा केंद्र का आयोग आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से किया जाएगा, तो आप लोगों के लिए यही है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। और न्यूनतम की बात की है जो शैक्षणिक योग्यता, तो आपको जो भी डिग्री है आपकी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और ये बताया ना कि आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए गैर वर्दीधारी पदों के लिए, और अधिकतम आपकी 40 वर्ष नहीं होनी चाहिए, पूर्ण नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वर्दीधारी पदों के लिए बात करें तो 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 33 वर्ष आयु पूर्ण ना हो, ठीक है, और याद रखिए इसमें छूट भी दी जाती है आपको समय समय पर, ठीक है। इसमें अगर शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल की बात करें तो पुरुषों के लिए 1.68 ऊंचाई चाहिए और महिलाओं के लिए 1.55, और बगैर फ्लाई सेंटीमीटर में सीने की बात कर रहा हूं तो इसमें आप देखेंगे पुरुषों के लिए 84, महिलाओं के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है, ठीक है, उनकी नहीं, और पूर्णता फुलाने पर पुरुषों के लिए 89, ठीक है, 5 का फर्क रहता है, 5 सेंटीमीटर का, इसे भी आप लोग याद रखिए, आपको अगर इस तरह के कोई पद में जाना है जहां फिजिकल होता है तो उसके लिए आपका रहता है, ठीक है। और ये समय आप समझते हैं ना कि ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए काफी छूट रहती है, तो उसकी ये भी दी गई है। खैर आप लोग उतना, मुझे लगता है कि अभी आपको आयु की छूट या नहीं कि इसकी मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी आप लोग काफी अच्छे हैं, आपके पास समय है। आप लोग एमपी ऑनलाइन या एमपी पीएससी मेन साइट से ही फॉर्म भरा करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको, और हमेशा याद रखा करिएगा कोई भी कभी भी किसी तरह का पेपर है, जैसे एससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या आप देखेंगे एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, आईएएस, तो आप लोग मेन साइट पर जाया करिएगा, वहां बिल्कुल सही जानकारी डाली जाती है और सब कुछ वहां मिल जाता है आपको। अब एमपीपीएससी आपको को आपको पुराने पेपर लगाना है कहाँ से मिलेंगे, तो मेन साइट पर जाइए आप लोग, वहीं से देख लें। एक फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए इसके बारे में याद रखिए,
स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें। फोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें। यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कोई रिफ्लेक्शन ना हो और आपकी आंखें स्पष्ट दिख रही हो। और टोपी हैट या डार्क चश्मे स्वीकार ना करें, या सौंप के जो भी इस तरह की बात होती है वो मत करें, ठीक है। इन्हें भी आप लोग याद रखिए और अच्छे से जाइए। आपके लिए और क्या जरूरी है वो बताना। अब देखिए ये है आपकी, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, या फिर आप दिव्यांग जन हैं यानी कि विकलांग कोई श्रेणी में आते हैं, तो आपके लिए परीक्षा का जो शुल्क रहेगा, चार्ज रहेगा, 250 रुपये रहेगा। अगर आप शेष सभी श्रेणी या फिर मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं आप लोग, तो आपको 500 रुपये फीस देनी होगी, ठीक है। लेकिन आप देखते होंगे सिविल सर्विस में 100 रुपये रहती है, आप कुछ भी किसी भी श्रेणी से आते हैं इसमें कोई मायने नहीं रख रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि आपको 500 रुपये देना होगा, और अगर ओबीसी एसटी एससी है मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो आपको 250 रुपये देना होगा, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिए। और इसमें आप सभी जानते होंगे, मुझे लगता है कि अगर पेपर दिलचस्पी रखते हैं पीपीएससी के लिए, तो आपका पहले प्रीलिम्स हो गया, फिर आप देखते हैं मेंस हो गया, लिखित परीक्षा, फिर फाइनल इंटरव्यू। और वैसे इसके बारे में बड़े विस्तार से हम लोगों ने बात की हुई थी, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी किसकी, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा था, ठीक है, राज्य सेवा जो भी। अब राज्य वन सेवा भी आप जानते हैं कि देता है इसी समय एमपीपीएससी का जब प्रीलिम्स होता है उसी समय राज्य सेवा यानी कि राज्य वन सेवा परीक्षा की भी डेट देता है। तो ये भी अभी हाल ही आई है, हुई है 28/12/2020 को, इसकी भी अंतिम तिथि आपको मिलेगी 10/2/2021। याद रखिए पेपर एक ही होता है, एक ही तरह, आप समझते हैं कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा पेपर वही होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और आपका जो राज्य वन है सेवा है और सामान्य सेवा है, दोनों के लिए पेपर एक ही होगा। लेकिन पेपर जो आपका राज्य वन सेवा होता है इसमें आपका जो सी सेट होता है यानी कि द्वितीय पेपर होता है, उसके भी नंबर, उसे भी ध्यान में रखते हुए आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, याद रखा करिए इसे। तो इसमें भी वही दिया गया है कि आपका कब से भरा जाएगा, 11/1/2021 से भरा जाएगा और 10/2/2021 तक रात्रि 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। इसमें भी आप लोग ध्यान रखिए। इसके कुल रिक्तियों पदों की बात करें तो 105 आपके वन क्षेत्रपाल की है और सहायक वन संरक्षक की है 6, ठीक है। और ये आपकी अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, अनुसूचित जनजाति ये माफ करिए ये है अनारक्षित, यानी कि कहने का मतलब है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए, ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति जिन्हें आप लोग जनजाति या फिर क्या कह देते हैं आदिवासी कह देते हैं उनके लिए, और ये पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के जो है उन्हें जो आरक्षण मिलता है उन लोगों के लिए, ठीक है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग बढ़िया बैठ के आराम से बैठ के पढ़ते रहे, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई जो शारीरिक मापदंड इसमें रखा गया है, ऊंचाई अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष में 163, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए छूट है काफी 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। सीने की परिधि की बात करें तो 79 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए है 74 सेंटीमीटर। न्यूनतम विस्तार की बात करें 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। पूर्ण विस्तार की बात करें 84 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर। शारीरिक क्षमता परिदल 4 घंटे पैदल चलना होगा 25 किलोमीटर आपको, और सहायक वन संरक्षक के लिए 14 किलोमीटर, वन क्षेत्रपाल हेतु 16 किलोमीटर, ठीक है, महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए। तो महिलाओं को काफी छूट दी गई है, आप समझ रहे हैं उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए। और सहायक वन संरक्षक हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए आपको, यानी कि 21 साल के हो जाना चाहिए आपको, किंतु 40 वर्ष आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए, 40 के नहीं होना चाहिए, ठीक है, 40 से ज्यादा। और वन क्षेत्रपाल हेतु 21 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए और 33 वर्ष अधिकतम, ठीक है। और इसकी भी गणना आपकी 1/1/2021 से की जाएगी, तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं।
और इसका भी फॉर्म उसी समय भरा जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा वो ऑप्शन कि आप लोगों को दोनों को चुनना है, राज्य वन को और राज्य सेवा को, तो आप लोग वहां ऑप्शन लगाइए बोथ, ठीक है, यानी कि दोनों। जब भी फॉर्म भरेंगे आपसे पूछेगा, वो जो भी होगा फॉर्म भरने वाला वो जरूर पूछेगा आप लोगों से। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं है, बस आपको मेन पेपर है, और याद रखिए इसमें भी फीस वही रखी गई है आपकी। और एक बात और आपको बताऊं कि क्या करना है, कि अब आपको पेपर पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका, आपने देखा था कि 2020 से सिलेबस भी बदल चुका है, पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है। पहले आपने देखा था ST/ST एक्ट आया करते थे, अब आपके ST/ST जो एक्ट है वो उन्हें हटा दिया गया है। और थोड़ा विस्तार से अब की बार उन्होंने क्या किया, बताया है कि क्या होगा सिलेबस। अब देखिए यहाँ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम क्या बता रहा है आपका, प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं, सुबह की टाइम होगा फर्स्ट पाली में। इसमें क्या पूछेगा, मध्य प्रदेश का इतिहास, यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास की जो भी घटनाएं, संस्कृति और साहित्य। वैसे आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति और साहित्य तो इसे हम लोग कवर कर चुके हैं, अभी बताता हूं कि कहां से आप लोगों को देखना है, ने कवर करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए, और प्रमुख राजवंश रहे हैं उन्हें बताइए आप लोग। फिर उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है, उसे भी आप लोग बताइए, किन किन लोगों ने भाग लिया है उन्हें भी बताइए। फिर उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश की कला और स्थापत्य कला, इसके बारे में आप लोग विस्तार से बताइए। फिर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां कौन कौन सी हैं उन्हें बताइए, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। फिर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के जो त्योहार हैं, लोक संगीत हैं, लोक कलाएं हैं, लोक साहित्य हैं, इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां भी आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन है उन्हें भी मालूम होना चाहिए। तो वैसे आप लोगों को अगर जल्दी में है तो आप लोग पूरा MPPSC को ध्यान में रखते हुए MP स्पेशल कवर करवाएगा, उसे आप लोग देख लें। उसमें आपका ST/ST एक्ट भी शामिल है, उसमें आपका सब कुछ शामिल है। लेकिन नए पैटर्न के हिसाब से मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही जल्दी आपकी सभी टॉपिक बाय टॉपिक कवर करवा दें, एक लाइन बाय लाइन हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए आप लोग। फिर आप देखेंगे भारत का इतिहास, इसे भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से आपका बता दिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का भूगोल भी पूछ रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वैसे बात कर चुका हूं, लेकिन आपका क्या क्रम से बात नहीं की हुई है। अभी क्या किया है मैंने कि पूरा आपने देखा होगा कि शुरू से लेके, मतलब ए से हम लोग शुरू हुए और जेड तक खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसमें क्या किया कि उन्होंने सी पहले रख दिया, ए बाद में रखा, मतलब उन्होंने अलग अलग करके टॉपिक दिए हुए हैं लाइन बाई लाइन। तो इसे आगे हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आपका MP स्पेशल के लिए काफी पढ़ा दिया गया है, और मुझे नहीं लगता है कि GK GS कंप्यूटर साइंस और आपका इनसे कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा, क्योंकि आपका विज्ञान हो, फिर चाहे विज्ञान में आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, साइंस टेक हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपका पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, समझ रहे हैं आप लोग, इन सबको हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस, MP GK UP GK जितना भी आपका मटेरियल है इस तरह का सब कुछ कवर करवा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिर आप देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल, इसे हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, फिर भी आपका कवर करवा देंगे, ठीक है। एक बार MPPSC को ध्यान में रखते हुए ही पूरी एक क्लास हम लोग लेने वाले हैं। फिर आप देखें राज्य की संविधानिक व्यवस्था को भी आप लोग देखेंगे, इसमें वैसे भी हम लोग कवर करवा चुके हैं, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ठीक है, और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन। फिर आप देखेंगे राज्य की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना है, जनगणना, और आप सभी लोग जानते हैं कि जनगणना से हमेशा क्वेश्चन से एक दो पूछे जाते हैं, तो आप विशेष तौर पर आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। फिर आप देखेंगे भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, इसे भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, कवर करने की दोबारा हम कोशिश करेंगे पूरी। विज्ञान एवं पर्यावरण, इसे भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको केवल MPPSC को ध्यान में रखते हुए पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, आराम से आपका कवर हो जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, इन्हें आप लोगों को यानी कि करंट से आप लोग जुड़े रहिए। और आप लोगों से हमेशा बोला है मैंने कि एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो किया करिएगा, और जब आप पेपर देने जा रहे होते हैं उस समय भी कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं कि जो करंट के लिए बुक्स निकालते हैं करंट अफेयर्स की, तो उसे आप लोग खरीद कर पढ़ सकते हैं। हमारी तरफ से भी आपको दी जाएगी और आपकी कवर करवाई जाएगा, ठीक है, लास्ट तक जब भी टाइम मिलेगा करवा देंगे। फिर आप देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं, फिर दोबारा आपकी कोशिश करूंगा कि कोई नया कोई बुक्स आया हो उसे रिव्यू करें या कहीं से और ले आके मटेरियल आपको दें, ठीक है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधानिक सांविधिक संस्थाएं, एक नया अच्छी तरह से ये टॉपिक एक तरह से जोड़ा गया है इसमें। आप देखेंगे भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग आयोग इत्यादि। देखिए ये है आपका प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, उसका सिलेबस। और दूसरे की अगर पेपर करें, जिसे आप लोग सामान्य अभिरुचि परीक्षण कह देते हैं, द्वितीय पेपर, इसमें बौद्ध गम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल, तो इन्हें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये आराम से, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, अगर आप आराम से पढ़ लेते हैं तब भी आपका पेपर क्वालिफाई आप लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड काफी अच्छा रहता है। तो इसमें ज्यादा टेंशन ना लें, फर्स्ट पेपर में आप लोग बड़े ध्यान देकर करें। अब आप लोगों को मैं क्या क्या दूंगा उसके लिए अगर आप बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होम पेज पर जाना है, जैसे ही गूगल है, यूट्यूब है आपका, जहां भी आप लोग देखते हैं डायरेक्ट, या तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में गूगल पर सर्च करना हो, या डायरेक्ट आप देखते हैं कि क्या होता है, कि क्या होता है कि यूट्यूब का कोई एप्लीकेशन होता है, उसे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि ये हमारी मेन साइट है, इसमें आप जैसे ही प्ले लिस्ट सूची में जाएंगे आप लोग, ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस के मॉडल पेपर आपने देखा होगा, यूपीपीसीएस का जिस समय पेपर होता है, तो कई दृष्टि आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, या बाकी कहीं से भी आपके मॉडल पेपर आते हैं तो उन्हें हम लोग खरीद कर सॉल्व भी करवा देते हैं, और आपकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तो यहां से आप जाएंगे टेलीग्राम पर, यहां लिंक दी गई है, तो यहां से आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां सभी पीडीएफ आपकी बिल्कुल निःशुल्क दी गई है। मैं इतना कहता हूं कि जीके जीएस के लिए आपको एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बात की जाए, या एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, या वनडे एग्जाम, सब कुछ फ्री मिला हुआ है आप लोगों को। तो जीके जीएस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फेसबुक पेज पर जाइए, यहां मुझे मैसेज कीजिए और मैं बात करूंगा, जो भी आपकी समस्याएं होगी मुझे समझ। यहां आप लोग समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक आप देखते हैं, यूपीपीसीएस के टाइम एक निकलती है जो दृष्टि निकालता है, ई दृष्टि, तो उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ था। महत्वपूर्ण दिवस आप देखते होंगे कि 12 महीने में कौन सुशासन दिवस मनाया जाता है, कभी आप देखते हैं मतदाता दिवस, आप समझ रहे हैं, तो इसके बारे में आपके 12 महीने में जो भी दिवस हैं, जो भी डे हैं, उनको हम लोगों ने कवर किया हुआ है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक दो हमेशा परीक्षा में आते रहते हैं, हर परीक्षा में। फिर आप देखेंगे क्विक रिविजन, ये आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, इन सबको क्विक रिविजन यानी कि बहुत जल्दी आप लोग रिविजन किस तरह से कर सकते हैं वन लाइनर में, तो उन्हें हम लोगों ने कवर किया हुआ है। जैसे आपकी परीक्षा के लिए आप लोग देखेंगे कि 2 महीने बचे, 1.5 महीने बचा हुआ है, अब समय रहता है रिवीजन का, कैसे कर सकते हैं आप लोग, तो इन्हें को आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। और वन डे टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कई बार आप देखते हैं कि वन लाइनर में क्वेश्चन आ गया और 4 ऑब्जेक्ट हैं उससे, तो उन्हें भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। और आईएएस पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज चलती है आपकी, उसे भी आप ध्यान दे सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि रन सामान्य ज्ञान बुक्स को आप लोग कवर कर सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है आपका। एमपीपीएससी केवल एमपी स्पेशल को छोड़कर, एमपी स्पेशल का एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, लेकिन उतने में आपका कवर नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए जैसे कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, आप समझिए पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, आप समझिए आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया,
इकोनॉमी हो गई, ये सब आपकी इसमें इससे कवर हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, इससे आराम से आप लोग प्रारंभिक परीक्षा तो निकाल सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि एनसीईआरटी आपकी कवर करवाई जा रही है, और मुझे लगता है स्टेट पीसीएस, आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना एनसीईआरटी पढ़े मुझे नहीं लगता है कि कुछ उखड़ सकता है। अगर आपको अच्छे से पेपर देना है तो एनसीईआरटी पढ़ लें। फिलहाल आपके पास अभी तो टाइम है नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रारंभिक परीक्षा आ चुका है, तो उसे आप लोग ध्यान में दें, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका ये है, यहां आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें सब कुछ, अगर आपको पुराने पैटर्न में, एक तरह से पुराना पैटर्न का कहने का मतलब है कि वहां क्रम से आपकी नहीं दी गई है, पहले आपने देखा सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी दे दी है मध्य प्रदेश की, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, लेकिन अभी आप लोगों ने जो सिलेबस देखा है उसमें अलग अलग दिया गया है, आपने बड़ा मतलब एक एक लाइनर में बांट दिया है, तो वैसे आप लोगों का कवर करवा चुका हूं, सभी क्लासें इसी में डली हुई हैं, मध्य प्रदेश की जो भी भूगोल है, इतिहास है, आपकी आर्ट एंड कल्चर है, जो भी व्यवस्था है, ठीक है। और लेकिन नए पैटर्न के हिसाब से हम कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ नया बताएंगे, लेकिन उन्हें टॉपिक टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ाएंगे, और जानकारी वही है पुरानी। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले राज्यपाल कौन थे, वो बदल जाएंगे, रहेंगे वही, लेकिन उन्हें हम लोग क्रम से बताएंगे, ठीक है। आपका सामान्य ज्ञान यहां भी देख सकते हैं, मैप मानचित्र, आप जानते हैं कि विश्व के मानचित्र से अगर आपको क्वेश्चन सभी सॉल्व करना है तो इसको आप लोग जरूर देख लें, और याद रखिए आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, वरना छोड़ दें, कौन सा पैसा लग रहा है अपना। महत्वपूर्ण संगठन, जो नया टॉपिक जोड़ा गया है आपका प्रारंभिक परीक्षा में, उन सबको हम लोगों ने, फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, कोई भी संगठन हो, सबको कवर किया हुआ है। अगर आपको लगता है कोई छूटा हुआ है तो मुझे बताइए, वो भी कवर करवा दूंगा, पूरी कोशिश रहेगी आपकी मदद के लिए। इसमें जनरल साइंस देख सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर जीके भी देख सकते हैं आप लोग, स्पेशल एमपी जीके भी देख सकते हैं, लूसेंट को भी कवर करवाया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एमसीक्यू, फुल जीके जीएस, इसमें आप देखते रहे, बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसमें आपके कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा के। आपका नया सिलेबस क्या है, क्या क्या बदला है, उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। उसके बाद आप देखेंगे बायोग्राफी, यानी कि जीवनी आपकी, जैसे उमा भारती हो गई, फिर चाहे कमलनाथ साहब हो गए, फिर शिवराज सिंह चौहान साहब हो गए, इन सबकी बायोग्राफी भी कवर की हुई है, हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, जो भी महान नेता हुए, उन सबकी बायोग्राफी कवर की हुई है, ठीक है। तो जाकर देख सकते हैं आप लोग। एक काम और आपको करना है, एमपीपीएससी, इसको जरूर खोलकर आप लोग देख लेने के बाद। मैं किस लिए बोल रहा हूं कि आपके पुराने क्वेश्चन, वैसे सिलेबस बदल चुका है तो नया क्वेश्चन पे, नए हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना चाहिए, तो इसमें आपके सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, 2019 तक के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, और बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को बस एडजस्ट करना है। ये उस समय सॉल्व करवाए गए थे जब एक तरह से आप समझिए कि नए नए आए हुए थे, हमें अच्छी तरह से बोलना भी नहीं जानते थे, तो बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग वहां जाकर देखते रहिए और एडजस्ट किया करेगा। मुझे इतना भी नहीं लगता है कि मुझे इतना भी आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको समझ में ना आए, बस आपको एक तरह से एडजस्ट करना आना चाहिए, सभी क्लासों में एडजस्ट करना आना चाहिए। अब सभी जानकारी तो हो चुकी है, अब आपको पीडीएफ को बता रहा हूं आपको, कि यहां से आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ डली हुई है, एम लक्ष्मीकांत स्पेशल जो भी बुक्स हैं आपकी, फिर कोई भी बुक्स है मुझे लगता है कि अच्छी आप लोगों के लिए बुक्स है, मैं खरीदता हूँ उसकी पीडीएफ बनवाता हूँ, आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई बुक्स है और नहीं आप लोगों को मिल रही है तो बताइए, उसे भी हम लोग दिलाएंगे, ठीक है, उसे भी हम लोग पीडीएफ के रूप में आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। तो ये रही आपकी, मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि आपके पास जितना टाइम है उसका बड़े अच्छे से यूज कीजिए टाइम का, और आप लोग आराम से निकालिए और पूरा फोकस दे दीजिए आप लोग। सबसे पहले आपकी टेबल पर कम से कम सिलेबस होना चाहिए, वो लाइन बाय लाइन पूरा कवर करिए आप लोग, क्वेश्चंस पेपर भी लगाइए आप लोग, और जब लास्ट में टाइम बचे उस समय मॉक टेस्ट भी लगाइए आप लोग, ठीक है, और दबा के तैयारी करिए आप लोग। जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मैसेज करिए, मैं समाधान करते रहेंगे, ठीक है, करते
करंट भी कवर करवा देंगे और बाकी जो भी बचा हुआ है उसे भी हम लोग कवर करवा देंगे, आपका छूटेगा कुछ भी नहीं। फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, जीके जीएस का काफी मटेरियल आपको दे दिया गया है और काफी दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई टेंशन मत लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स कवर करवा दी गई है, इससे ज्यादा कुछ और होता है क्या? मुझे लगता है इतना विस्तार से तो कोई नहीं पढ़ता है, आप लोग लेकिन पढ़ते हैं, तो इसकी भी पीडीएफ आपकी एनसीईआरटी की पूरी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, आप लोग वहां से डाउनलोड करिए और पढ़ते रहिएगा। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो ओके बाय बाय बोलने का कोई सिस्टम भी नहीं बनता है, ठीक है?